हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू बी वी एन लर्निंग क्लास हाउ यू आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम डियर स्टूडेंट टुडे विल बी डू एम सी क्यूज ऑफ सेकेंड लेसन सेम बुक टुडे डेट इज सेवन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी डे वेनसडे एम सी क्यूज ऑफ आरंभिक मानव की खोज स्टूडेंट आपके एग्जाम में आपके मल्टीचासक क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं वही सेम पैटर्न वन क्वेश्चन के फोर ऑप्शन होंगे जिसमें वन हमारा करेक्ट होगा तो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन आरंभिक मानव भारतीय उपमहाद्वीप में रहता था तो कब से रहने लगा था कब से शुरू किया था उसने रहना बीस साल पहले चालीस बीस लाख ,00 साल पहले चालीस लाख ,00 साल पहले या पचास लाख ,00 साल पहले या साठ लाख ,00 साल पहले उसने रहना शुरू किया था तो स्टूडेंट उसने बीस लाख ,00 साल पहले यानी कि हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हम आरंभिक मानव को किस रूप में जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट है है ए है हमारा जंगली मानव बी है हमारा असभ्य मानव सी है हमारा शिकारी खाद्य संग्राहक और डी है वैज्ञानिक मानव तो आज हम आरंभिक मानव को शिकारी खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं यानी कि हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरंभिक मानव यात्रा करते थे किस तरह करते थे आरंभिक मानव यात्रा ऑप्शन देखते हैं ए ऑप्शन है बैलगाड़ियों में बी है पैदल सी है हाथियों पर डी है रेल गाडियों में तो आरंभिक मानव पैदल यात्रा करते थे यानी कि बी इज अवर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरंभिक मानव के औजार बने थे किस किस चीज से औजार बनते थे तो ए पत्थरों से बी लकड़ी से सी हड्डियों से डी उपरोक्त सभी तो स्टूडेंट उस समय पत्थर के भी औजार बने थे लकड़ी के भी हड्डियों से तो इसका हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट यानी कि उपरोक्त सभी और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भीम बेट का पूरा पाषाणिक पुरास्थल किस राज्य में है ऑप्शन देखते हैं इसके हम महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तो स्टूडेंट भीम बेट का पूरा पाषाणिक पुरास्थल स्थल मध्य प्रदेश में यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट ऑप्शन है हमारा पुरास्थल आवास स्थल अवशेष स्थल और उद्योग स्थल यानि कि जहाँ पर पुरानी वस्तुओं के अवशेष मिलते उसे पुरास्थल कहते हैं यानी कि हमारा ए आंसर इज ए ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किन गुफाओं में राख के अवशेष मिले थे तो स्टूडेंट कुरन गुफाओं में हुसी गुफाओं में भीम का गुफाओं में अजंता गुफाओं में तो स्टूडेंट कुरन गुफाओं में राख के अवशेष मिले थे यानी कि ए ऑप्शन इज अवर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट आरंभिक पाषाण युग कौन सा था पाषाण काल मध्य पाषाण काल पाषाण काल और महापाषाण काल तो हमारा आंसर हैगा इसमें ए ऑप्शन पूरा पाषाण काल नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाषाण काल के औजार को क्या कहते थे ऑप्शन देखते हैं मैगोलिथ मैसोलिथ माइक्रोलिथ और मेटालिथ तो मध्यपाषाण काल के औजारों को स्टूडेंट माइक्रोलिथ कहते थे यानी कि हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट ये हमारा आंसर है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवपाषाण युग की शुरुआत कितने साल पहले हुई थी ऑप्शन देखते हैं पाँच हजार साल पहले दस हज़ार साल पहले पंद्रह हजार साल पहले या बीस हजार साल पहले तो नवपाषाण काल की जो शुरुआत है स्टूडेंट दस हजार साल पहले यानी कि हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बाद में कौन सा पाषाण काल आया था ऑप्शन देखते हैं पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल महापाषाण काल और नवपाषाण काल यानी कि सबसे बाद में हमारा नवपाषाण काल आया था तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरंभिक मानव द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं तो शैल चित्र कहते हैं गुफा चित्र कहते हैं या चल चित्र कहते हैं या आदि चित्र कहते हैं तो आरंभिक मानव द्वारा जो गुफाओं में चित्र बनाए जाते थे उसे स्टूडेंट सेल चित्र यानि कि हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन सतरमुख के अंडों के अवशेष मिले थे उस जगह का बताना है कहाँ पर मिले थे ए ऑप्शन है हमारा भीम का जो मध्य प्रदेश में है पटने जो महाराष्ट्र में है होमसी जो कर्नाटक में है और बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है तो हमें ये बताने कहाँ मिले थे इनके अंडों के अवशेष तो स्टूडेंट शत्रुमुख के अंडों के अवशेष पटने यानी कि महाराष्ट्र में मिले थे हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन इज शत्रुमुख के अंडों से बनाए जाते थे क्या क्या बनाए जाते थे औजार बनाए जाते थे बर्तन बनाए जाते थे मनके बनाए जाते थे उपयोग सभी तो हमारा आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा सत्रु के अंडों से मनके बनाए जाते थे और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेहरगढ़ कहाँ स्थित है तो मेहरगढ़ बताना हमें तो ये ऑप्शन देखते हैं ए ऑप्शन पाकिस्तान बी भारत सी चीन और डी अफगानिस्तान तो स्टूडेंट मेहरगढ़ पाकिस्तान में यानी कि हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हो में औजार किस चीज से बनाए जाते थे ए ऑप्शन है हमारा गुटका पत्थर बी है हमारा चूना पत्थर सी है हमारा लकड़ी डी है धातु तो हुंसी में जो औजार बनाए जाते थे स्टूडेंट वो चूना पत्थर यानी कि बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब से हुआ हमें समय बताना है पाँच हजार साल पहले सात हजार साल पहले दस हजार साल पहले या बारह हजार साल पहले तो स्टूडेंट स्थायी रूप से यानी कि एक जगह रहने की जो प्रक्रिया है बसने की जो प्रक्रिया उसका आरंभ लगभग बारह हजार साल पहले यानी कि डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन दबाव सेल्फ तकनीकी क्या है दबाव सल्क तकनीकी क्या है हमें बताना है इसके बारे में अर्थ बताना इसका. है इसका ए है हमारा आरंभिक द्वारा मानव द्वारा बना मकान बनाने की तकनीक बी ऑप्शन है हमारा आरंभिक मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने की तकनीक सी ऑप्शन है हमारा आरंभिक मानव द्वारा चित्रकारी करने की तकनीक और डी इनमें से कोई भी नहीं तो हमारा एटीन क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो हमारा बी पॉइंट होगा आरंभिक मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने की तकनीक को दबाव सल तकनीक यानी कि पत्थरों से वो औजारों की स्कल बनाते थे उन्हें आकार देते थे इसी तकनीक का इसे नाम दिया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइनटीन क्वेश्चन देखते हैं हमारा आरंभिक मानव ने अग्नि का प्रयोग किया था तो जब आग की खोज हो गई थी तो उसने किस किस चीज़ में अपना अग्नि का प्रयोग किया था ए ऑप्शन है मांस भूनने के लिए बी प्रकाश के लिए सी जंग को दूर भगाने के लिए और डी है हमारा उपरोक्त सभी तो आरंभिक मानव ने अग्नि का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया था मांस कच्चा मांस खाता था जब अग्नि का आविष्कार हो गया तो मांस को भूनने लगा प्रकाश रोशनी करने लगा और इसे पता चल गया कि आग से जंगली जानवर दूर भागते हैं, जंगलों में रहता था तो इसीलिए इन सभी के लिए करता था तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट उपरोक्त सभी यानी कि सभी के लिए करता था लास्ट वन इज उद्योग स्थल प्राय मिलते थे सुनसान गुफाओं में नदियों और झरनों के किनारों पर पहाड़ों पर रेगिस्तानों में तो उद्योग स्थल अधिकतर स्टूडेंट नदियाँ और झरनों के किनारे मिलते थे जहाँ उन्हें जल की आपूर्ति आसानी से हो जाती थी स्टूडेंट नीचे आपकी आंसर टेबल दी गई है आप उसमें से अपने आंसर देख सकते हैं और अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते इन क्वेश्चन को दैट्स इन अ फॉर द डे स्टूडेंट स्टे होफ स्टे सेफ थैंक यू स्टूडेंट्स